स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी सिलाई सेंटर में। हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए घंटे को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी सिलाई सेंटर में। ये देख सकते हैं आप, ये जालीदार सूट का डिज़ाइन हम बनाने वाले हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, दो कपड़े हैं, एक जाली है और एक इसका अस्तर है। तो चलिए पहले साइज देख लेते हैं। लंबाई 29, चेस्ट 32, वेस्ट 28, हिप 33, शोल्डर यानी कंधा 12, बाजू की लंबाई 3/4 है, बाजू की लंबाई 16 है और मोहरी इसकी 9 है। चलिए इसकी कटिंग करते हैं। ये देखिए, ये कपड़े को इस तरीके से हम डबल कर लेंगे, दोनों कोर यानी दोनों किनारी को हम मिला लेंगे। इसमें उल्टा सीधा है, एक तरफ गुलाब का फूल चमक रहा है, एक तरफ नहीं। ये देखिए, डबल कर लिया हमने ऐसे करके। ये दोनों साइड के पल्ले एक साथ कटेंगे। ये हमको रखना है नीचे का दामन 18 इंच। ये देखिए, मोड़ने के लिए हम छोड़ेंगे थोड़ा सा, 1-1 इंच दोनों साइड, इधर 1 इंच उधर 1 इंच। ये देखिए डबल कर दिया हमने। ये देखिए, कोरा जब भी आपको ऐसे कटिंग करने में अगर खींचे किनारी, तो आप इसे इस तरीके से काट दें जब तक कटिंग ना हो। ये देखिए, ये बैठ गया। चलिए इसकी लंबाई ले लेते हैं। ये हमने मेन मार्क लगाया और उससे 1 इंच छोड़ दिया मोड़ने के लिए, और यहाँ से हम 29 इंच ले लेंगे। ये देखिए 29, और मार्जिन सिलने के लिए मार्जिन। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो कभी कटिंग में गलती नहीं होगी। जो मार्जिन का ख्याल रखता है उसकी कटिंग कभी ख़राब नहीं होगी। अगर वो मिस्टेक से छूट जाए तो 0.5 इंच ऊपर नीचे आपका हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ से 5 इंच और यहाँ से सीने का 1/4 भाग लेना है हमें। ध्यान रखिएगा, सीने का 1/4 भाग और ये वेस्ट का 1/4 भाग। ये देखिए, ये राउंड वाला स्केल का यूज़ करें ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे हिप हम 33 ले लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये कटिंग होने जा रही है। ये देखिए, आराम से कटिंग करें, थोड़ा सा राउंड ले लें कोने की तरफ, थोड़ा सा हल्का सा राउंड। ये देखिए, ये कट चुका है। अब यहाँ से हम 18 इंच ले लेंगे चाक छोड़ने के लिए, यानी कि किनारे साइड जो खुला रहता है वो छोड़ने के लिए निशान हमने लगा दिया। ये गला हम कॉलर रखने वाले हैं, तो यहाँ से 3 हमने निशान लगा दिया 20 से। ओके, ये देखिए, एक पल्ले को हम छाड़ देंगे, बैक साइड का तो प्लेन ही रहेगा और फ्रंट पे हम बनाने वाले हैं डिज़ाइन शेरवानी। चलिए इस पे हम यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क लगाएं और यहाँ से राउंड कर देंगे हम इस तरीके से, और यहाँ से गोल वी जैसा आपको लेना है वैसा आप यहाँ से डिज़ाइन आप बना सकते हैं। तो हमें गोल करना है। ये देखिए, कोई दिक्कत नहीं है,
यहाँ से हम इसे बीच से अलग कर देंगे, क्योंकि हमें तो शेरवानी डिज़ाइन बनानी है, दोनों साइड लेस लगेगी। ये हम अस्तर और नेट अलग डिज़ाइन बनाने वाले हैं, दोनों अलग अलग पहने जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये रहेगी। ये देखिए ये दो हो गए, इस पर हम डैश लगाने वाले हैं। चलिए अब बाजू की कटिंग कर लेते हैं। बाजू हमारा 16 इंच है, यानी कि 3/4 बाजू रखने वाले हम। ये देखिए यहाँ से हम 16 इंच पे मार्क कर देंगे, और 17 आप कमर का चौथा भाग यहाँ पे लें, ये देखिए, और कमर 28 है तो उसका चौथा भाग 7 यहाँ पे लें, आराम से बाजू बैठ जाएगी। ये देखिए कटिंग 7 इंच यहाँ से हमने इसे काट दिया। ये देखिए ये हम इसका इनर काटने वाले हैं, इसे भी डबल फोल्ड कर दें। ये देखिए इस तरीके से, ये बहुत आसान है। इनर में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ गलों को और बाजुओं को फोल्ड कर देना है और साइड मार के उसे तैयार कर देना है। जो भी डिज़ाइन है वो नेट पे है। ये देखिए उससे हम इसे 2 इंच छोटा रखने वाले, यानी कि उसकी लंबाई अगर 29 है तो हम इसे 27 ही रखने वाले हैं। ये देखिए शोल्डर भी कम रहेगा, ये बिल्कुल बनियान की तरह रहेगी। ये देखिए 11 हम इसे शोल्डर रखेंगे, चेस्ट वेस्ट सब वैसा ही रहेगा। ये देखिए कमर का चौथा भाग, ये भी हम 18 इंच पे यहाँ से खोल देंगे। चलिए अब गले की कटिंग कर लेते हैं। ये हम 6 इंच रखने वाले हैं फ्रंट साइड, और बैक साइड 7 इंच। ये देखिए दोनों भाग कट गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो कम वाला है वही आप काटें। और फिर यहाँ से 1 इंच हम ले लेंगे। ये देखिए भाई आप अपने तरीके से अलग करके काट सकते हैं, मैं तो इसी तरह काटता हूँ, कम वाला काट के फिर ज़्यादा वाला 1 इंच ले लूँ तो हो जाता है मेकअप। ये देखिए हम मशीन पर आ चुके हैं और ये सभी पार्ट्स हैं। ये कॉलर का आपको नहीं बता, ये कॉलर भी हमें इस तरह से काट लेना है। लंबाई चौड़ाई इसकी 4 इंच और लंबाई आप 14-15 इंच रख लें, कोई फिक्स नहीं है। चलिए बैक के पल्ले में फ्रंट को पहले जोड़ लेते हैं शोल्डर। ये देखिए यहाँ हम पहले शोल्डर का इस्तेमाल करेंगे, यानी शोल्डर को पहले जॉइंट करेंगे, वहीं से इसका सब कुछ शुरू होगा। ये देखिए
ये हमने जॉइंट कर लिया। अब कुछ नहीं करना हमें, सीधा कॉलर को अटैच कर दें डबल करके, देखिए कैसे होगा। अक्सर ज़्यादातर लोग परेशान रहते कॉलर को अटैच करने में, ये सबसे आसान विधि हम बताएंगे आपको, देखिए कैसे। ये आप सेव कर ले हल्का सा। ये देखिए जिधर फॉल्ट है, जिधर फॉल्ट किया हुआ है उस साइड को आप इधर सिलें। ये देखिए इस तरीके से सिलें कि कॉलर जो है वो अधिक हो एक सूत कपड़े से, वो ढक जाएगा, फिर हम उस पर सिलाई चलाएंगे तो वो कवर हो जाएगा। ये देखिए ये एक आसान तरीका है, मतलब कॉलर लगाने का, इससे भी बेटर हो सकता था। ये देखिए वो हमने सिलाई चला दिया, डबल कॉलर जो है उसके साइड पे। ये देखिए कॉलर बन चुका है, अब इसे हम शेप कर देंगे, यानी कि कॉलर लगने के बाद हम इसे शेप करेंगे। देखिए कैसे, ये देखिए हमने डबल कर दिया, ये देखिए ये आराम से हमने इसे यूं सेव कर दिया। ये देखिए आप, ये देखिए कॉलर तैयार है, बस लेस लगाने की देरी है। चलिए लेस लगा देते हैं। ये देखिए एक पतली लेस है, ये उल्टी साइड से हम लगाना शुरू किए हैं ताकि एक सिलाई और हम लगाएंगे तो सीधी हो जाएगी। ये देखिए कोनों में अच्छे से घूमे यहाँ पे। ये देखिए कॉलर पर लग रही है, कॉलर आपने पहले चढ़ा लिया तो ये सीधे सीधे आपके लग जाएगी, सब कुछ कवर कर लेगा ये। ये देखिए यहाँ पे हम आधे से ज्यादा लगा चुके हैं। आप ऐसी लेस का इस्तेमाल करें जो गोलाई घूम सकती हो, यानी कि जालीदार। अगर आप सीधी लेस का इस्तेमाल करेंगे तो आपको गोलाई वगैरह में बहुत दिक्कत होती है। लेस हमेशा आप ऐसा इस्तेमाल करें जो गोलाई आराम से घूम सके, तो आपकी लेस काम में आएगी। सीधी पट्टी वाली लेस लगाएंगे तो वो गोलाई मुड़ने में बहुत दिक्कत होता है। ये देखिए सीधा करके हमने सिलाई चलाया, ये लेस ऐसी कि गोलाई आराम से घूमेगी। ये देखिए ये लगभग लेस पूरा होने वाला है। ये
कोनों में वहाँ पे प्लेट आपको पड़ेंगी तो प्लेट दे दें, प्लेट से खिंचाई नहीं। ये देखिए, ये लगने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगती है ये जैकेट डिजाइन। ये जो है ये हम दोनों जैकेटों को जॉइंट करने वाले हैं बीच से। ये देखिए, एक साइड पहले हम चिपका लेंगे, फिर एक साइड हम, ये देखिए डबल है। इसमें आप खुला भी रख सकते हैं या फिर हुक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये हम स्टिच कर देने वाले हैं, आपको जिस तरह अच्छा लगे आप कर सकते हैं। यहाँ पे हुक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और खुला भी रख सकते हैं, क्योंकि इनर तो हमारा तैयार है, इनर बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये देखिए एक साइड हमने सिल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी साइड, इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी उसे चिपका देंगे वहाँ पे। अगर आपको हुक रखना हो तो आप उस पट्टी को अच्छे से फोल्ड करके बढ़ा कर रखें और दूसरी साइड हुक लगा दें, और कुछ नहीं करना है। ये देखिए, ये हमने अटैच कर दिया इसे, और इसका बढ़े हुए कपड़े को सेव कर दें। चलिए सेव कर देते हैं। ये देखिए, सेव करने के बाद ये ऐसा लगेगा, ये उल्टी साइड है। अभी हम सीना का काम करेंगे। ये देखिए चेस्ट की साइज हमने लिया, ये 32 का आधा। ये देखिए, ये आपको 17 दिख रहा है, तो आप जब भी नापेंगे किसी का चेस्ट तो आपको 1 इंच से 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा लेके चलना ही पड़ता है, वरना आपका जो है टाइट हो ही जाएगा। तो आप 1.5 इंच लेकर चले, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। ये देखिए, इसे हमने सिल दिया। हम हमेशा इस साइड 2 सिलाई लगाते हैं, तो इस बार भी लगाएंगे। और ये 2 सिलाई ऐसी लगाएं आप कि एक कम ज़्यादा लगाएं। अगर एक टाइट हो तो एक सिलाई खोल लेने के बाद वो काम में आ जाए। ये दूसरी साइड, ये देखिए ये सिल दिया हमने, ये लगभग तैयार है, बस नीचे फोल्ड करके और बाजू को लगा देना है। वीडियो को आराम से देखें, पूरा देखें तो आपको समझ में भी आएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। क्योंकि आधे घंटे से अगर आप अपनी लाइफ का दे देते हैं तो ये आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से डिज़ाइन बनता है। तो आधा घंटा देना कोई ज़्यादा बात नहीं है, ना आप कोई इंस्टीट्यूट जाना है, ना कहीं जाना सिला सीखने के लिए, घर बैठे आप ये सीख सकते हैं हमारे चैनल में।
ये देखिए, ये तो आपको पता ही होगा, अगर आप सूट सिलते होंगे तो इस तरीके से मोड़ा जाता है। ये देखिए, बहुत ही आराम से दोस्तों। हमारे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियो हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल में विजिट करके आप देख सकते हैं, डोरी कैसे बनाया जाता है, लहंगा कैसे बनाया जाता है, तो आप जाकर देख सकते हैं। ओके, ये देखिए हमने पूरा फोल्ड कर दिया। ये देखिए एक सिलाई लगभग कंप्लीट हो चुका है और एक सिलाई किनारी में हम लगा देंगे, पूरा पूरी ये सिल जाएगा। ये देखिए किनारे पे सिलाई चल रहा है। ये देखिए दूसरा सिलाई, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आपको दिखाते हैं कैसा लग रहा है, ये बिना बाजू का है, बाजू लग जाएगा तो अभी खूबसूरत लगेगा। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये हो गया कॉलर हमारा, ये बीच में एक होल और शेरवानी डिज़ाइन। ये देखिए ये इस टाइप का बनेगा, एक जैकेट टाइप का, जैकेट नुमा शेरवानी डिज़ाइन। ये पहनने के बाद भी बहुत खूबसूरत लगता है। मेरे पास तो मॉडल नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताया था उसे पहना के। ये देखिए ये मोहरी पे हम लेस का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए मोहरी पे हमने लेस का इस्तेमाल किया। चलिए इसे सीधे तरफ हम फिर फोल्ड कर देते हैं। चलिए साइज तो आप हमने आपको बताया था 16 और 9, तो इसे हम 9 का आधा हम स्टिच कर देंगे। ये देखिए 4.5, ये 9 इंच हमारा आ जाएगा। चलिए दूसरा भी कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारा हो गया बाजू तैयार। चलिए वन साइड गड्ढा कर लें, ये फ्रंट साइड रहेगा जो कम वाला भाग है। ये आप करेंगे तो सामने की साइड जो सिकुड़न आती है, कपड़ा जमा होता है, वो नहीं आएगा। सॉरी,
ये देखिए, चलिए ये गोल बाजू हम आपको इसलिए चढ़ाना बताते हैं क्योंकि इसमें आपको चेस्ट में कम ज़्यादा नहीं होगा। ओके, अगर सीधी बाजू चढ़ाते हैं तो जहाँ तक आप बाजू दबाएंगे तो आपको चेस्ट भी कमता चला जाएगा, इसीलिए गोल बाजू में प्रॉफिट है। ये देखिए गोल बाजू हमने चढ़ाना चालू किया, इस तरीके से गोल गोल घूम जाए। आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए अब दूसरी साइड भी हम इसी तरह करेंगे। ये देखिए आगे की साइड थोड़ा सा गड्ढा कर दें आप। ये देखिए इस तरीके से हम इसे चढ़ा दिए। ये देखिए बाजू चढ़ाने के बाद कैसा खूबसूरत लग रहा है, ये गला इस तरह से रहेगा। यहाँ पे हम हुक लगाने वाले हैं कॉलर के पास और एक बटन। ये देखिए आप यहाँ पे जो जॉइंट है वहाँ भी आप लगा सकते हैं बटन। चलिए अब इनर की बारी। इनर में कुछ नहीं है, बस शोल्डर को पहले जोड़िए। शोल्डर को जोड़िए इस तरीके से। और ये देखिए चेस्ट हमारा है 32। चलिए इसमें करना कुछ नहीं है, पहले गले को फोल्ड करते पतले से। जितना पतला मोड़िएगा उतना खूबसूरत लगेगा। ये पतले से पतला मोड़िए। ये देखिए पतला मोड़िए एकदम बारीक। चलिए अब बाजू को ही मोड़ देते हैं।
इस टाइप से, ये देखिए। बहुत ही आसान। ये देखिए हमारा तैयार हो चुका है लगभग। अब सिर्फ कुछ नहीं करना है, आप चेस्ट सिल के और नीचे फोल्ड करना है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा हम एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। ये देखिए चलिए दोनों साइड सिल चुका है। ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करें। ये देखिए दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो मैं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक का बटन तो बनता ही है, और अगर सब्सक्राइबर है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट तो ज़रूर करें, जो भी अच्छा बुरा आपको जैसा लगे, क्योंकि बुरे कमेंट भी हमें सीख देती है कि भाई हमारे वीडियो में क्या कमी है, या फिर कौन सा वीडियो है जो हम नहीं बनाए हैं अभी तक। तो कमेंट ज़रूर करें, इससे हमें पता चलता है कि हम किस रूट पे जा रहे हैं। तो कमेंट भी होना ज़रूरी है, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी हो आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये देखिए आराम से किनारे किनारे आप सिल दीजिए इसे भी। इनर में कुछ नहीं है खास। ये देखिए चलिए ये हमारा इनर तैयार हो चुका है। ये देखिए इसे अंदर से पहनेंगे और उसे ऊपर से, बस कुछ नहीं करना है। ये देखिए और भी हमारे वीडियो यहाँ देखने के लिए दोस्तों, यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। लहंगा सिलना है तो ऐसे, और लहंगे कटिंग सीखना है तो ऐसे, तो आप जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। आपका कीमती वक्त हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन